तो इसी बहाने हम शाहरुख खान से मिल लेंगे। इधर सो गई है चश्मा लगा के। आटा जो नहीं गूंदा था। हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। दिन का आगाज हो चुका है, दिन नहीं मतलब शाम का ही आगाज है, क्योंकि अभी हो रहा है अफ्तारी का टाइम। तो मैं व्लॉग पहले नहीं बना सकी थी, थोड़ा सा बिजी थी। अभी देखते हैं अफ्तारी में क्या कुछ है करने को, तो आ जाएं जी। यार ये मुझे फ्राई करते हुए बहुत डर लगता है। वाह क्या मैंने फ्राई किए। फ्राई करते करते ना ये आधे से ज्यादा खुल गए मुझसे। समझ नहीं है, समझ को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये फ्राई मुझे करना पड़ा और मैं इंतहा से ज्यादा डरती हूँ फ्राई करते हुए। अच्छा हमको सिखा रहा है। अभी मैं आप लोगों को अपना हल्का फुल्का सा मेन्यू दिखाती हूँ कि अफ्तारी में हमारा मेन्यू क्या है। नगेट्स की कहानी सुनाती हूँ कि नगेट्स दो फिर रखे, नगेट्स घर में खत्म हो गए थे, तो अनुषा कहती सिर्फ मैंने खाना है तो ये उसके लिए है, और मैं और मेरी बहन बेचारी रह गई हैं। तो जल्दी से अफ्तारी करके आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है, और ये जो बर्तन है ये खुद समेटेंगी। ये एक बंदी इधर सो गई है चश्मा लगा के, और मैं भी सोने जा रही हूँ, उठ के मिलते हैं। One hour later. तो जी बहुत देर मैंने सो लिया, अब जल्दी से मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफी। आ गए इसमें मैंने 2.5 कप पानी ले लिया है, और बाकी ये मुझे कॉफी चाहिए, ये इलायची। अभी मैं उबलते पानी में ऐड करूंगी 5 काली मिर्चें, ये दालचीनी। अच्छा हमको सिखा रहा है। इसमें हम कॉफी ऐड करेंगे। चलें जी ब्लैक कॉफी मेरी रेडी है, और इसे मैं बेसुरा सा मुंह करके पीऊंगी। किन्ने मनु क्या जी मैं मोटी हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। भी ब्लैक कॉफी पीने के बाद ना मेरे अंदर आ गई सही वाली एनर्जी, और अच्छा और अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, फिर आके खाऊं पीऊंगी ना, इसलिए समझा करें आप लोग। One hour later. यार वॉक में कर रही हूँ, और एक मजे की बात बताती हूँ कि जितनी मर्जी मैं नई जुराबे पहन लूं, लेकिन ये मेरे पाँव का जो अंगूठे ना इसका नेल हमेशा से मेरी जुराबों को फाड़ देता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ना एक जुराबों की फैक्ट्री खोलूं, क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। A few moments later. चलें भाई मैं फ्रेश हो गई हूँ, और अब बाहर चल के देखते हैं कि क्या कर रही हैं वो लोग, उन्हें बुलाती हूँ मैं। गर्ल्स आ जाओ, नाउ इट्स गॉसिप टाइम। चलें भाई अब आप लोग छुट्टी करें, क्योंकि हम जरा लड़कियां लड़के आपस में बातें कर लें, हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं होती। मिलते हैं कुछ देर के बाद। One hour later. यार बोल बोल के ना अब मुझे शदीद किस्म की लगने लगी है भूख, क्योंकि सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद की जो क्रेविंग होती है ना उसको मिटाने के लिए यार जल्दी से मेरे लिए कुछ ले आओ खाने को। लो जी ये मेरे लिए वो ले आई है, ये मेरी कोक आ चुकी है, और साथ में ये है शुअरमा, तो मैं झटपट से ये खाती हूँ। 3:28 AM. एक बजे तो मैंने शुअरमा खाया था। तो मैं ना छोटा सा पराठा बना रही हूँ, ताकि इस टेंशन में ना रहूँ कि मैंने कुछ खाया नहीं। इसी कंफ्यूजन में ना मैंने पहले आधा घंटा जाया किया है सैरी करूँ ना करूँ। मैं जरा फोकस करें, देख है ना इंडियन रोटी जितनी, वो पुप्पू मीना जो इंडिया से पापा लेकर आई थी। हाँ शाहरुख खान की मम्मी। हाँ वो जो तेरा फैन था शाहरुख खान। वैसे तेरी शादी करा देते हम उसके साथ। हाँ तेरी शादी करा देते, देख तू इंडिया जाएगी, फिर हम इंडिया आएंगे, हम असली शाहरुख खान से मिलेंगे, फिर हम लोगों को कितना क्रेज है शाहरुख खान से मिलने का। नहीं नहीं मुझे तो इसी बहाने हम शाहरुख खान से मिल लेंगे। चलो भाई अब सैरी कर लेते हैं, लेकिन सैरी से पहले मैं आपको दिखाऊं समय देखना तुम्हारे जाने के बाद। अंडा देखो किस तरह से मैंने फ्राई किया है, और पराठा तो मैं खुद बनाती थी ना, अब देखना क्या बना है, छोटी सी पराठी। आटा जो नहीं गूंदा था। हम ना तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी से तू आ जा। अच्छा कल वापस आ जाना तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई मिनी व्लॉग की तरह मिनी सैरी मैं कर चुकी हूँ, और वजू भी मैं कर रही हूँ, जल्दी से मैं नमाज पढ़ूंगी, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, मुझे दो में याद रखना। बाय बाय, लव यू, आई लव यू।